या व्यासपीठावरती आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत दावेचं एक छोट लक्ष होत मात्र शेवटच्या क्षणाला मात्र झुंज दिली कर्मेश संघाना मात्र हार पत्करावी लागली तर सलामी जोडी कुशुली संघाकडून अनिल खैर आणि समीर भग आपण पाहू शकाल तर सेकंड राऊंड मधला शेवटचा सामना बघा या दोन्ही संघांसाठी सूचना असेल संघानं सदतीस दहावाचा स्कोर ठेवला जर का अडतीस दावा या दोन्ही संघापैकी मारल्या गेल्या तर त्या संघाला सरळ पुढील वाटचाली वाटचाल दिली जाईल आणि या ज्या संघाचा कमी स्कोर असेल तो संघ मोदर संघाविरुद्ध लढेल तर आणखीन एक एक मधील मोरबे गावचा एक बुलंदा आवाज पिंटू दादा मात्रे यांचं आगमन झालंय तर साहेबांना विनंती असेल या व्यासपीठावरती आपलंही या खैरवाडीच्या चषकामध्ये सहर्ष स्वागत असेल तर समोर फलंदाज ऑन स्ट्राईक वरती अनिल खैर तर नॉर्थ स्ट्राईक समीर भगतला आपण पाहतोय पावर सर्कलचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्गवर प्रभात केवळ संघाकडून अतिशय वेगवान गोलंदाज आपण पाहतोय पहिला चेंडू फेकला जाईल समोर अनिल साडे अप्रॅकर होता अतिशय देखना पटका चेंडू खाली बंटी कोणत्या प्रकार चुकी करणार नाही पहिल्या चेंडू वरती सफलता प्राप्त केली शून्य दवसं लागणारा पहिला धक्का कुशुली संघाला डीजे साठी मैदानामध्ये रवाना होईल नौका फलंदाज अशोक फलंदाजासाठी अपेक्षा होत्या अनिल खैरकडनं विचार केला गेला पाच चेंडू मागे तब्बल सोळा दहावीची खेळी साकारली होती मात्र आता काही करू शकला नाही शून्य दावसंख्यावरती बाद झालाय तर नौका फलंदाज वरती अशोकला आपण पाहतोय पुन्हा एकदा आपल्या अतिशय देखण्या पट्टा हुक केलाय लॉंगलेंक क्षेत्रामध्ये चेंडू थांबणार नाही आउट ऑफ द पार हा येतोय पहिला चौकार डीजे विचार केला गेला अद्याप पर्यंत आले आले आपल्या डावाची सुरुवात चार या धावसंख्येने करून दिले अशोक वाघ या फलंदाजांना कारण दोन्ही संघांसाठी खूप महत्वाचा सामना असेल इथून जर का अडतीस धावांचा पल्ला पार पाडला तर नक्कीच सरळ पुढच्या फेरीसाठी वाटचाल दिली जाईल कारण यामधून हेही पाहणे गरजेचं असेल पुन्हा एकदा बॅटच्या मधून चढव चडूकाला क्षेत्रक्षण येणार तोपर्यंत एक डाव सहजरित्या पूर्ण केले जाते एके पुढे काय मिळणार नाही एके दावाने संघाचा विचार केला गेला पाच धावा धावलकडे लागले जातील अद्यापपर्यंत पर्यंत पॉवर सर्कलचा षटक हाताळत असताना प्रभात हा गोलंदाज आपण पाहतोय केवळ संघाचा मात्र इथून ऑन स्ट्राईक वरती डावकरी आताचा एक विस्फोटक गातकी फलंदाज मलंगड विभागातील कुशुली संघ आपण पाहतोय फलंदाजी ज्यांच्या वाट्याला आहे केवळी संघ थोड स्पीडअप करायचा पंचांना सुद्धा विनंती असेल सामना स्टार्ट करायचा आहे अद्यापर्यंत विचार केला गेला के पॉवर सर्कलचं षटक हाताळत असताना दोन चेंडूचा खेळ सम तीन चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय पाच दहावा धावपल करते लागल्या गेल्यात मात्र इथून कशा प्रकारे चेंडू पेकी केला जाईल अतिशय वेगाने फेकलेला चेंडू ब्लॉकचा मारा केला होता आणि निर्धाव चेंडू सांगता होते कमालीची गोलंदाजी आपण पाहतोय पॉवर सर्कलचं षटक हाताळण्यासाठी कर्णधाराने विश्वास दाखवला आहे आणि तशाच प्रकारे गोलंदाजी करत असताना मात्र समोर फलंदाज समीर भगतला शांत ठेवलाय जस्त तर नो स्ट्राईकला फलंदाज अशोक वाघला जास्तीत जास्त स्ट्राईक देणं फार मदत असेल ज्याच्या बॅटमधून एक चौकार आपण पाहिला आहे पुढचा चढू बॅट ची इन्साइजेट गलिफान क्षेत्रामध्ये सुंदर क्षेत्रक्षण राहिला गेलाय आणि लागणारा दुसरा धक्का पाच यादव संघर्दी कुशोली संघाला तर व्यासपीठावरती सन्मान सोहळा पार पाडला जाईल तर मोरबे गावचं आहे एक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व आपण पाहू शकाल पिंटू दादा मात्रे यांचा सन्मान करण्यासाठी मी खेरवाडी गावचे ज्येष्ठ नागरिक चांग्या कवटे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या पवित्र शुभ असते आपण पिंटू मात्रे दादा साहेबांचं इथं सन्मान करायचं आहे आपण या स्पर्धेसाठी आलात आपला बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिला आपल्या आयोजकांच्या माध्यमातून सहर्ष सहर्ष स्वागत असेल तसेच तर या मैदानाकडे विचार केला गेला अद्यापपर्यंत पर्यंत पॉवर सर्कलचं षडक आताळत असताना कमालीची गोलंदाजी राहिले गेले तर पुढचा चेंडू समोर नौका फलंदाज आपण पाहतोय हेलिकॉप्टर उडवला होता ब्लॉकलचा चेंडू मात्र चेंडू उचलून फेकणार तोपर्यंत एक सिंगल धाव या सिंगलच्या सहाय्यानं धाव पुस्तकाचा विचार केला गेला सात दहावा डापरगड लागल्या सॉरी क्षमा क्षमासावी सहा धावा दापरगड लागल्या गेल्यात तर व्यासपीठावरती आणखीन एक सन्मान सोहळा पार पाडला जाईल चांगल्या कवटे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या पवित्र शुभा असते मंगल्या पार्थी साहेबांचा इथे सन्मान करायचा आहे सहा चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय दहा पुस्तक अर्थ विचार केला गेला दोन गडी बाद असताना सहा धावा धावपल करते लागल्या गेल्यात कमालीची गोलंदाजी राहिले गेले प्रभातच्या माध्यमातून पॉवर सर्कलचं षटक होतं प्रकारे गोलंदाजी करावी याचं जिवंत उदाहरण मैदानामध्ये पाहायला मिळालं मात्र समोर फलंदाज आपण पाहू शकाल महेश भगत तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाची जोडी मैदानामध्ये उर्वरित अठरा चेंडूचा खेळ बाकी असेल होता मात्र क्षेत्रामध्ये सुंदर क्षेत्रक्षण राहिला गेलं मेल एक सिंगल धाव या सिंगलच्या सायनाईक रोटेड होईल स्ट्रायकोनवरती श्राईक वरती अशोक वागला आपण पाहू शकाल कमालीची गोलंदाजी राहिली गेली अद्यापपर्यंत कारण पॉवर सर्कलचं षटक पॉवर दाखवले पूर्णपणे मी तर म्हणेन गोलंदाजी करत असताना केवळ संघाच्या गोलंदाजांना मात्र इथून अवै सफर करायला सुरुवात करायला लागेल कुशुली संघाचा विचार केला तर लोअर्स्ट पुल पदे चेंडू अतिशय देखना फटका प्रॉपर टायमिंग आउट ऑफ द पार ऑनच्या डोक्यावरून हा येतोय बिग बिग सिक्स रन दुसरं षटक मार्गस्थ असताना या षटकाचा विचार केला गेला गोमा या गोलंदाजाचा विचार केला गेला चार चेंडूपैकी गेलेत अद्याप थोडीशी मागडी गोलंदाज आपण पाहतोय धावप चौदा दहावा पंधरा दहावा धावपट्ट लागल्या गेल्यात मात्र इथून कमबॅक करेल का गोलंदाज गोमा गोलंदाज आपण पाहू शकाल समोर फलंदाज अशोक वाघ आता मात्र चोरटे धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय मात्र रनआउटची संधी असेल आता निर्धाव चेंडू सांगता होते पंधरा धावा स्थिर असतील धावपलकाचा विचार केला गेला तर दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी असतील समोर गोलंदाज गोमा गोलंदाज आपण पाहतोय पहिलं षटक आताळ होतं प्रभातनं सहा धावा खर्च केल्या होत्या दोन विकेट संपादित केल्या होत्या मात्र समोर फलंदाज आपण पाहतोय अशोक वाघ पुन्हा एकदा लोवरपूल टॉसमध्ये चेंडू होता पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा निर्धाव चेंडू षटक समाध होण्याचा इशारा आलाय बारा चेंडूच्या अखेरीस दापलकर दावा लागल्या गेल्या दोन गडी बाद असताना पंधरा दावा अद्यापपर्यंत पर्यंत संघाचा एक कार्ड डगड मध्ये असेल दिलीप भगत यांना अद्यापही बाकी असेल मात्र समोर दोन फलंदाजाचा विचार केला गेला के अशोक वाघ या पलंदाजाने अद्यापपर्यंत सहा चेंडूचा सामना केलाय संघासाठी तब्बल तेरा दहावेचं योगदान दिलाय एक चौकार एक षटकाराच्या साह्याने खेळत असताना मात्र समोर ऑन स्ट्राईक वरती महेश भगत ला आपण पाहू शकाल तर तिसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कर रामदासला आपण पाहू शकाल थोडस स्पीडअप करायचं आहे केवळ संघात समोर पलंदाज महेश कशा प्रकारे केळी करेल आता मात्र बॅडची हिंसा सुंदर क्षेत्रक्षण राहिले गेलंय चेंडू अडवला गेला नाहीतर नक्कीच चौकार गेला असता मात्र तसं काय घडलं नाही मिळेल एक सिंगल धाव या सिंगलच्या साह्यानं सोळा दावा दाव प्रकरण लागल्या गेल्यात इथून मात्र या दोन्ही फलंदाज साजेदारी करावी लागेल अवय सफर करावा लागेल कारण विचार केला गेला केवळ संघाचा केवळ संघामध्ये सुद्धा तेवढ्याच ताकदीचे फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील कारण मागचाच सामना आपण पाहिला असेल लो स्कोरिंग सामना मात्र गोलंदाज जोरावरती दही सर संघांना सामना जिंकला गेला मात्र इथून किती धावींचं लक्ष ठेवेल कुशुली संघा आता मात्र बॅटच्या मधोमधू मा चडूकाल नागेश कोणत्या प्रकार चुकी करणार नाही लागणारा ना तिसरा धक्का कुशुली संघाला अशोक वाघच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल डी చె ఆఫ్ ద పార్ ఫైన్గ రీజన్ మధ్య ఛేండు సీమా పార్ చావెంట్ आपण पाहू शकाल बावीस लागल्या गेल्या षटकातील चेंडूचा एक सन्मानकारक स्कोर उभा राहील यात मात्र शंका नसेल मात्र तसं काय घडेल का हे सुद्धा पाहणं अत्यंत आवश्यक असेल आता मात्र बॅटचा पे स्कोर लाई चेंडू क्षेत्रक्षण नागेश खराब क्षेत्रक्षण आणि चेंडू मात्र आउटफील्ड थोडीशी खराब असल्यामुळे दोन धावा पळून काढल्या गेल्यात या दोन धावेने संघाचा विचार केला गेला स्कोरर मित्र आम्हाला माहिती देतील तिसरी सुद्धा पळून काढली गेली आहे एका एका दहावेची किंमत शेवटच्या क्षणाला मात्र केवळ संघाला मोजावी लागेल पंचवीस धावा धावपलकर लागल्या गेल्यात अद्यापपर्यंत आपण पाहू शकाल या षटकातील अंतिम एका चेंडूचा खेळ बाकी असेल पंचवीस दावा धावपलकर लागल्या गेल्यात अद्यापपर्यंत पहिल्या पूर्वार्धातील एका षटकाचा खेळ बाकी असेल मात्र दिलीपला शेवटच्या क्षणापर्यंत खेळपेटीवरती थांबणं फार महत्वाचं था असेल मात्र समोर नरेश गांगाड ऑनर्स स्ट्राईक वरती पहिला चेंडू सामना करेल त्याच्या प्रॉपर टायमिंग झाल्याने चेंडूकाला पुन्हा एकदा नागेशला आपण पाहतोय पुन्हा एकदा खराब क्षेत्रक्षण आणि दोन दाव घेण्याचा प्रयत्न दोन धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या जातात आणि या दोन दहावीने सत्तावीस दहावा दापलकर्ती लागल्या जातील या सत्तावीस दावेनं तिसरं षटक समाप्त होईल आता मात्र स्लोगोरचं षटक असेल अंतिम षटक केवळ संघ जास्त टीम मीटिंग घेऊ नका कृपया करून थोडा आयोजकांना सहकार्य करा आणि पास फास खेळायचंय तीन षटकाचा खेळ समाप्त झालाय दापोलकर दावा लागल्या लाग ला गेल्यात सत्तावीस दावा ला� आता मात्र स्लोगोरचं अंतिम आनामारीचं षटक घेऊन केवळ संघाचा गोलंदाज आपण पाहतोय मंगळ्याला आपण पाहू शकाल मात्र समोर फलंदाज दिलीप भगतचा विचार केला गेला पाचव्या क्रमांकासाठी गेलाय एक चौकार दाखवलाय मात्र इथून ये सहा चेंडू खूप निर्णायक असतील या सहा चेंडू मागे जर का दोन ते तीन मोठे पटके आले तर नक्कीच एक स्कोर उभा राहील पुढे सरसाव मारण्याचा प्रयत्न अतिशय एक ना पटका आणि लॉंगॉनच्या डोक्यावरून आ येतोय दिलीपच्या बॅटमधून सहा दहासाठी षटकार डीजे तर त्याने सलामी साडी येत असतो मात्र आता रणनीती काहीतरी वेगळी आखली गेली आणि पाचव्या क्रमांका साडी मैदानामध्ये आला आणि अतिशय सुंदर पटकेबाजी अद्याप पण राहिले गेले एक चौकार एक षटकाराच्या साह्याने खेळत असताना विचार केला गेला अद्याप पर्यंत चौदा दावेचे योगदान दिले संघासाठी नेक्स्ट बॉल लोअर फुलटॉस होता मात्र गॅपशॉर्ट सिलेक्शन ऑन क्षेत्रामध्ये गोमा क्षेत्रक्षण आपण पाहू शकाल पुन्हा एकदा खराब क्षेत्रक्षण मिळाले या दोन दावा वारंवार कराव क्षेत्रक्षण आपण पाहतोय या दोन दावेने संघाचा विचार केला गेला पस्तीस दावा डावपल करत लागल्या गेल्यात अद्यापर्यंत अंतिम षटकातील चार चेंडूचा खेळ बाकी असेल दोन चेंडूपैकी केलेत आठ दावा खर्च केल्यात डावलकर्चा विचार केला गेला पस्तीस दावा डावल लागल्या गेल्यात नेक्स्ट बॉल समोर फलंदाज दिलीप भगतला आपण पाहतोय आजच्या मतमोत अतिशय देखना पटका आजच्या दिवसातील लॉंग लाँग सिक्स दिलीप भगतच्या बॅटमधून डीजे तर नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल दैसर विरुद्ध मोदर तर यामधून जो जिंकेल तो सरळ पुढच्या फेरीमध्ये वाटचाल करेल अतिशय एक ना फटका बॅक टू बॅक दुसरा मोठा फटका भगतच्या बगतच्या मधून कमालीचे फटकेबाजी आपण पाहू शकाल या सहा दावीने स्कोरर मित्र आम्हाला माहिती देतील सत्तेचाळीस दावा धावपलक लागल्या गेल्यात आता मात्र षटकार राट्रिकच्या उंबरड्यावर असेल दिलीप भगत फलंदाज का अंबरनाथ मलंगड विभागामध्ये याची वर्णी केली जाते तोच फलंदाज ऑन एस ड्रायव्हर ची दिल्लीप आपण पाहू शकाल कमालीचे फाटकेबाजी लगातार दोन चेंडूवरती दोन षटकार दाखवले आहेत गोलंदाजाला कमबॅक करावं लागेल इथून मात्र केवळ संघाचा विचार केला गेला तीन षटक सुरेख राहिली होती मात्र शेवटचं षटक खूप मागडी गोलंदाजी स्लोवर पदे चेंडू फेकला जातोय मात्र निर्धाव चेंडू सांगत होते कमबॅक करणं फार मदत होतं आणि कमबॅक करून देत असताना मंगळे हा गोलंदाज आपण पाहू शकाल पहिल्या पूर्वार्धातील अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी असेल सत्तेचाळीस दहावा दापल लागल्या जातील आपण पाहू शकाल मात्र या शेवटच्या चेंडूवरती कोणता आकडा दडला असेल हे पाहणं अत्यंत आवश्यक असेल पुन्हा एकदा बॅटच्या चेंडू आला नाही एक सिंगल डाव सहजरित्या पूर्ण केले जाते दुहेरीचा प्रयत्न मात्र रनआउटच्या स्वरूपात बाद व्हावं लागेल एके एक दावीने अठ्ठेचाळीस दावा दापल करत लागल्या गेल्यात कंपल्सरी चेसिंग असल्यामुळे येणारे चोवीस चेंडू आणि एकोणपन्नास दहावेचं लक्ष असेल केव्हा संघासमोर डी जे हेलो क्रिकेट के प्यारे दर्शकों को पेंटो मात्रे का प्यार भरा नमस्कार सबसे बड़ी जब से मैं दस साल से यहाँ आकर कमेंट्री करता हूँ लेकिन इस साल जय बागेश्वर खैरवाड़ी इन्होंने बढ़िया आयोजन किया है हेलो हेलो मोदर संगा एक। मोदर घा संगण मोहोदर संघाच संगणक यानी दहसर सटी है चे ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर जा रही है बड़ा मुकाबला बड़ा क्रिकेट और इस ग्राउंड को देखकर बड़ी मजा आ रही है ग्राउंड की दाही तरफ देखिए था बोंडारपारा लवालिया और खैरवाड़ी वाड़ी ये जो मैदान है जरा ऊंचाई पर है हवा तेज है दोपहर के दो बजने से पहले मैदान के अंदर गर्मी थी लेकिन गर्मी हटी है शाम के बाहें की तरफ सूर्य एक तरफ ढलता चला जा रहा है और ओम साई राम एम लाइव बड़ी क्लियरिटी है जैसे क्लियरिटी आदमी के पास होती है कि लोगों को भला करना इस तरह ओम साई राम ये एम लाइव अब देख रहे हैं बड़ी क्लियरिटी उनके पास जब गेंद कहीं भी निकल जाए तो उनका कैमरा तेज उनकी तरफ भागता है इतनी बड़ी क्लेरिटी है और जय वागेश्वर खैरवाड़ी के उनके माध्यम से लाइव टूर्नामेंट मुझे पहली बार देखने को मिली है एक मैं देखता हूं कि इस इलाके में माथेरन के मैदान के ऊपर मैच होती है वह लाइव देखने को मिलती है लेकिन इस साल एक खैरवाड़ी टीम के मैदान के ऊपर बड़ी लाइव टूर्नामेंट मैच स्टार्ट होने की इंतजार में खड़े हैं हम पार उनकी राह देख रहे हैं जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच रही है नागेश और प्रभात ये जोड़ी मैदान के अंदर है यहां पर फील्डिंग की सजावट बहुत ही बड़ी खूबसूरत है एक तरफ दाही तरफ देखे तो थोड़ी सी फील्डिंग हटाई है कवर है इस कवर मिड विकेट गेंदबाज की दाही तरफ से पहली गेंद बड़ी अच्छी ऊंचाई पर गेंद आई थी और कदमों का इस्तेमाल किया लेग साइड कवर बहुत ही मजबूत की पहले गेंद के ऊपर समाचार चार रनों से बल्लेबाज ने खाता खोला है लगता है तो बजना चाहिए के साथ पहला खाता खोला बल्लेबाज प्रभात ने क्या बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाज जिनकी हम तारीफ करते हैं मनोज भगत एक आक्रमक गेंदबाज है ये जोड़ी जो मैदान के अंदर केवाली टीम की जोड़ी जो मैदान के अंदर पहुंची है बड़ी खूबसूरती के साथ जोड़ी पहुंची है गेंदबाजी इस बार भगत गेंदबाजी करेंगे अच्छी गेंद कदम का इस्तेमाल और यहाँ बिल्डिंग सजावट अच्छी डायरेक्ट हिट और बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो चुका है डायरेक्ट हिट किया है अगर रिप्लाई में यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी एक्शन थी उनकी गेंदबाज ने गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी शॉट अच्छा खेला था कवर के अंदर को थोड़ा सा रोकाया गया था और जैसे ही दोनों खिलाड़ियों के बीच मिस्टेक खराब हुई तो सामने वाले फील्डर ने बहुत ही बड़ी हिट की और यहाँ पहला खिलाड़ी मैदान से बाहर गुजरता हुआ बल्लेबाज प्रभात चार नंबर पर चार रन निकाल कर बल्लेबाज मैदान छोड़कर जा रहा है अच्छी बल्लेबाजी की थी पहले गेंद के ऊपर जरूरी चौका दादा था लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि फील्डिंग बहुत ही खूबसूरत और बल्लेबाज ने जैसे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज थे उन्होंने जगह छोड़ी थी और प्रभात को उनको जाना पड़ा उनको क्योंकि छोड़ना पड़ा उसकी वजह से उनकी विकेट गई है यहाँ पर सुकेत जी चौधरी बैठे हैं प्रकाश साथ में है बाबू जी चौधरी मैदान बहुत ही खूबसूरत देखिए यहाँ से थोड़ी नज़र देखिए कि बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं पूरी तरह से हरेली हरेली लग रही है और खूबसूरत मैदान यह जो देखने को मिल रहा है आज के दिनों का ये दूसरे विनिंग का तीसरा मुकाबला मैदान के अंदर शुरू है बड़ी नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचे हैं रामदास ये बड़ी हीट क्या कदम का इस्तेमाल किया और यह नागेश ने अपना बल्ला खोला है घिनसी मा रेखा बाउंड्री लाइन के बाद चार रनों के लिए बल्लेबाजों को खेलना होगा क्योंकि 24 गेंदों में उन पचास रन बनाने हैं तो ये टारगेट उनको रोकना होगा हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो ओम साई एम लाइव है बहुत ही खूबसूरत और हर किसी के पास से अगर गलती होती है तो यहाँ पर लाइव के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा कि गलती किसी की है किसी की नहीं है इसकी वजह से जो झगड़े की बात होती है हट जाती है गेंदबाज भगत गेंदबाजी करेंगे अच्छी गेंद हफ्स गेंद फेंकी थी बल्लेबाज फिर से चौखा लगाने की तैयारी में थे चुके हुए कोई रन नहीं आए चार गेंदों का खेल समाप्त एक खिलाड़ी मैदान से बाहर प्रभात जो कि चार रन बनाकर मैदान से बाहर है और चार रन बनाकर मैदान के अंदर खेल रहे हैं और ना नागेश जिन्होंने दो गेंदों का सामना किया है गेंदबाज यहाँ से हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत मनोज भगत गेंदबाजी कर रहे हैं अच्छी गेंद बैठ का अंदूरा हिस्सा यहां गलती हो सकती है और बल्लेबाज कैच आउट हो चुका है नागेश नंबर दो का खिलाड़ी मैदान छोड़कर बिल्कुल बाहर की तरफ निकलता हुआ आज है गुरुवार का दिन सत्रह तारीख सत्रह नवंबर आने वाले कुछ ही दिनों के बाद बड़ी बड़ी जब ठंडी गिर जाती है तो यात्रा की शुरुआत हो जाती है और जब यात्रा की शुरुआत होती है तो बड़ी मज़ा होती है जब क्रिकेट हो तो मज़ा हो दुनिया में खेल बचा ही नहीं है हम नहीं खेल सकते कबड्डी हम नहीं खेल सकते खेल खो खो लेकिन खेल सकते हैं मैदान के अंदर क्रिकेट वो क्रिकेट अब जिंदा है क्रिकेट को देखने के बाद ये चार महीना पूरा क्रिकेट ही क्रिकेट क्या कहीं शादी हो कोई कुछ भी हो लेकिन क्रिकेट छोड़ने के लिए तैयार नहीं बच्चे लोग अब यहाँ पर नए खिलाड़ी राम नागेश आउट होने के बाद नए खिलाड़ी मंगलिया मैदान के अंदर जा रहा है दोनों खिलाड़ी केवल चार चार रन बनाकर मैदान छोड़कर बाहर इस बार गेंदबाज अच्छी गेंदबाज का इस्तेमाल बैट का अंदोरा हिस्सा भाई इस विकेट के पर अपना काम तमाम कर रहे हैं और बिल्कुल ही अच्छी गेंद पहला ओवर का खेल समाप्त पावर प्ले हट चुका है और सिंगल के साथ नौ रन टोटल पूरे हो चुके हैं एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है हम्पायर भबन बहुत ही खूब साल से हम्पायर का, का काम करते हैं उनका पोशाक देखिए कितनी ब्लैक पैंट वाइट टी शर्ट और गोल वाइट कैप पहनी हुई है शूज़ देखिए कितनी खूबसूरत और सेकल से लगते हैं कि खुद ही हम्पायर बहुत ही प्रोफेशनल हम्पायर लग रहे हैं और साथ ही उनके दूसरे भी हम्पायर बहुत ही अच्छे दोनों का डिसीजन बहुत ही अच्छा होता है गलती नहीं करती है सोच समझ कर अपना इरादे को पस्त कर देते हैं देखिए खूबसूरत मैदान है आज ये मैच का पहला दिन है और आखिरी दिन संडे के दिन होगा जिस दिन होगा फाइनल का मुकाबला और मुकाबले देखने के लिए इस इलाके के सभी दर्शक सभी क्रिकेट खिलाड़ी मेहमान सभी के सभी इस मैदान के ऊपर पूरा दिन निकाल कर आने वाले हैं नए गेंदबाज यहाँ पर दिलीप भगत पहले आए थे मनोज भगत और उसके बाद नंबर दो के गेंदबाज दिलीप भगत गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाज यहाँ पर मंगलिया बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइक के खिलाड़ी हम पार की ढाई तरफ से गेंद करते हुए पांच का इस्तेमाल और रही है बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी बल्लेबाज को यहाँ पर अटैक ही अटैक करना होगा कम से कम बारह पॉइंट पचहत्तर के रन बनाने थे शुरू में लेकिन अब यहाँ पर जैसे गेंद निकलती चली जा रही है यहाँ टारगेट काफी बढ़ता चला जा रहा है सात गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है बचे भी अभी सत्रह गेंद बाकी इस बार गेंदबाज ये देखिए कोई गलती नहीं गेंदबाज की जैसे बल्लेबाज ने अपनी दाय पर मोड़ लिया था जगह छोड़ ली थी स्तम्भ दिखाए थे और उसी का फायदा गेंदबाज दिलीप भगत ने उठाया नंबर तीन का खिलाड़ी मंगलया मैदान से बाहर को जीतने के लिए टारगेट एक तरफा नहीं है क्योंकि मैच को अगर जीतना है तो 40 रनों की अभी भी ज़रूरत है 16 गेंदे 40 रन गेंदबाज दिलीप भगत गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर गोमा मैदान के अंदर पहुंच रहे हैं इस बार इस ओर की तीसरी गेंद बहुत ही खूबसूरत क्या गेंदबाजी करते हैं मुझे तो लगता है कि शायद अगर जो पावर प्ले का ओवर था वो अगर दिलीप को देते तो ये रन भी नहीं मिल जाते

14 गेंदे बाकी 40 रन चाहिए यह टारगेट बहुत ही मुश्किल का टारगेट होगा क्योंकि 14 गेंदे 40 रन छक्का चौका आना भी जरूरी इस बार टाइमिंग प्रॉपर अच्छी सिलेक्शन गैप बहुत ही बड़ी और इस वक्त वहां फील्डर तैनात थे गेंद को रोकना नामुमकिन तीनों फील्डर यहां पर गेंद को देखते रहे गेंद निकल चुके सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए अब गोमा ने कुछ यहाँ पर तमाशा दिखा है त्योहुत गेंदो डॉट करने के बाद हल्की सी गैप निकाली गैप ढूंढी चौका लगाया और टोटल स्कोर पहुँचा है तेरह रनों पर अभी भी बचे हुए गेंदे शायद तेरह और अभी भी छत्तीस रनों की जरूरत है जीतने के लिए मैच को हम देख रहे हैं कि ओम साई एम टी लाइव बहुत ही खूबसूरत क्लियरिटी खूबसूरत और बहुत सारे लोग इस में को देखते हैं इस बार दिलीप भगत गेंदबाजी के ऊपर अच्छी गेंद कदम का इस्तेमाल खाली बल्लेबाज देखते रहे दो ओवर का खेल समाप्त दो ओवर के समाप्त के बाद तीन विकेट खोने के बाद केवल इंडियन टीम का स्कोर पहुंचा है केवल तेरह रनों पर बचे भी बारह गेंद है और छत्तीस रनों की जरूरत है जीतने के लिए यहां पर हम देख रहे हैं कि लीड बहुत ही खूबसूरत और जो कि एम टी लाइव के माध्यम से यह पूरी विश्व में पूरी दुनिया में पूरे महाराष्ट्र में सभी दर्शक यहाँ से देख रहे हैं कि बड़ी टूर्नामेंट जय बागेश्वर खैरवाड़ी आयोजित बड़ी टूर्नामेंट यहाँ पर देखने को मिली है और ये मैदान ज़्यादा ऊंचाई पर है हवा तेज़ है बैटमैन को काफ़ी मदद मिलती हवा के वजह से छक्का तुरंत लग जाता है जब बल्ले के ऊपर आ जाए गेंद तो तुरंत छक्का लग जाता है बारह गेंदे नए गेंदबाज यहाँ पर आए हैं सागर भगत गेंदबाजी के ऊपर कुशली टीम की तरफ से मुझे लगता है कि हजी मलंगवाड़ी के करीब यहाँ पर कुशिवली है और मुझे लगता है थाना के करीब है कल्याण थाना और टीम बड़ी फॉर्म में है बच्चे भी बारह है छत्तीस रनों की जरूरत नए गेंदबाज अच्छी गेंद बड़ी प्रॉपर टाइमिंग सिलेक्शन खूबसूरत तब तक बल्लेबाज यहाँ पर सिंगल तो जरूर चिरा है दूसरी की जरूर कोशिश करेंगे लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बाद टाइमिंग अच्छा नहीं था सिंगल मिली है और सिंगल के साथ बन चुके हैं चौदह बच्चे भी ग्यारह है और 35 रनों की जरूरत है अच्छा मैदान हमारे मंच के ऊपर मेहमानों की कोई कमी नहीं है संजय इस गांव के उद्योगपति उनका भी इस मंच के ऊपर आगमन थोड़ी देर के बाद होगा बड़े प्यारे आदमी हैं लोगों को खिलाना पिलाना उनका काम है लेकिन प्यार से खिलाते हैं यह बात है उनकी यह बैट का अंदूर हिस्सा विकेट पर, पर काम तमाम करते हुए बड़ी गलती नहीं थी हाइट पर जरूर गेंद थी लेकिन नो बॉल बिल्कुल नहीं था बैट का अंदूरा हिस्सा लगा और बल्लेबाज मैदान छोड़कर बाहर नंबर चौथा खिलाड़ी केवल ये टीम काफ़ी फंसी हुई है और अब यहाँ पर जब भी देखने को मिलता है तो टोटल रन संख्या बनी है चौदह रन दो गेंदे तो खत्म हो चुके हैं अभी दस गेंदे बचे हैं और चौंतीस रनों की ज़रूरत है संजय जी खैर आप यहाँ पर आ जाइए मंच के ऊपर हमारे मेहमान हैं बापू जी चौधरी थोड़े देर के बाद उनका भी आगमन होगा सुकी जी चौधरी है प्रकाश भगत है बहुत ही मेमर यहाँ पर आने वाले हैं इस गांव के उद्योगपति और जाने माने इस इलाके के सबसे प्यारे आदमी जिनकी खासियत है जिनको लोग पहचानते हैं जब उनकी दिलचस्प गाड़ी चलती है रोड पर तो लोग उनको सलाम करते हैं ये उनका नाम है उनकी खासियत संजय खैर आ जाइए मंच के ऊपर आपका स्वागत है चाहूती तीसरी गेंद जरूर फेंकेंगे दस गेंदे बचे हैं और जीतने के लिए अभी भी चौंतीस रनों की ज़रूरत है पैंतीस रनों की ज़रूरत है बहुत ही बढ़िया टाइमिंग टाइमिंग के साथ अभी इस वक्त मुझे छक्के चौके लगाने जरूरी थी बल्ले अच्छे वाले बल्लेबाज जो कि नागेश और प्रभात ये जोड़ी मैदान के बाहर निकलने के बाद केवल टीम के ऊपर काफी प्रेशर प्रेशर आने लगा है गेंदे बचे हैं केवल दस गेंदे और बड़ा मुकाबला बाहे के बल्लेबाज नए मैदान के अंदर पहुंचे हैं सोमनाथ होंगे दो गेंदों का तो खेल खत्म हो चुका है अभी भी चार गेंदे इस तीसरे ओवर के बाकी फील्डिंग सजाई जाए गए लेग साइड पॉइंट कवर मिड विकेट कवर एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन और सर्कल के अंदर सब फील्डर यहां पर तैनात बैट का अंदर हिस्सा टाइमिंग अच्छा था और फील्डर ने बहुत जो बड़ी कोशिश की थी दूसरी की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर जिनकी तारीफ करते हैं और रामदास अभी भी खड़े हैं एक तरफ है बायात के खिलाड़ी सोमनाथ और दूसरी तरफ है रामदास ये जोड़ी मैदान के अंदर खेल रहे एक के साथ टोटल स्कोर बन चुका है पंद्रह रन बचे भी अभी नौ गेंद और चौतीस रनों की जरूरत है बड़ा मुकाबला देखिए मैदान के बाहर बड़े बड़े पहाड़ है और पहाड़ जैसे यहां नजराना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गेंदबाज इस वक्त सागर भगत गेंदबाजी करेंगे अच्छी गेंद बैठ का गेंद और गेंद के नीचे फिल्टर गलती नहीं नंबर पांच का खिलाड़ी मैदान छोड़कर बाहर रामदास रामदास खिलाड़ी मैदान से बाहर है पहले नंबर दो के खिलाड़ी पहुंचे थे मैदान के अंदर लेकिन बैटिंग का उनको मौका नहीं मिला मैदान छोड़कर बाहर आना पड़ा है केवल टीम अब भी पूरी तरह से फंस चुकी है क्योंकि जिस वक्त उनको रन बनाने थे पूरे शुरू शुरू में उनको बारह पॉइंट पचहत्तर के उससे रन बनाने थे वो टारगेट उनका पहले ओवर के बाद खत्म हुआ और अब यहाँ पर प्रेशर ही प्रेशर आने लगा है नए बल्लेबाज बंटी टी गेंद बल्लेबाजी के तौर पर जा चुके हैं नंबर सातवें खिलाड़ी सागर भगत इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं चार गेंदों का खेल समाप्त हुआ हो चुका है दो गेंदे बाकी गेंदबाज हम पायर से दूर बैटमैन के बिल्कुल करीब अच्छा टाइमिंग यहाँ पर फील्डिंग फील्डर ने, ने कोशिश जरूर की थी लेकिन बिल्कुल ही थोड़ी सी बाहर की तरफ फटी थी गेंद सात गेंदे बचे हैं और नंबर पाँच खिलाड़ी जरूर मैदान से बाहर है मैच में इतनी मजा नहीं है कमेंट्री के लिए भी मज़ा नहीं आ रही क्योंकि इतनी जान उनकी पूरी तरह से निकल चुके हैं और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बचे भी सात गेंदे और तैतीस रनों की ज़रूरत है टाइमिंग बहुत ही खराब हुआ उनका फुल टॉस गेंद इस वक्त मंगलिया ने अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश की थी और बल्लेबाज मंगलिया भी मैदान से बाहर की तरफ निकलता हुआ छह खिलाड़ी आउट हो चुके हैं तीन ओवर का खेल समाप्त और तीन ओवर के समाप्त के बाद कुल संख्या बन चुकी है टोटल रन संख्या बन चुकी है सोलह बचे हुए छह गेंदे और तैतीस रनों की जरूरत मंच के ऊपर मेहमानों की कोई कमी नहीं है हमारे दिलचस्प आदमी पर्सनालिटी बहुत ही खूबसूरत पहले से चिकने स्मार्ट है और संजय जी खैर है कौटे सेट है और सभी के सभी यहाँ पर मंगला सेट है सभी मेहमान इस मंच के ऊपर अशोक इस टूर्नामेंट के आयोजक हैं और बबन इन दोनों ने उनके टीम ने यहाँ बहुत ही बड़ी मेहनत उठाकर इस लाइव टूर्नामेंट को रखने का उनका इरादा उन्होंने आज के दिन के बाद चार दिनों तक उन्होंने स्पष्ट किया है तीन ओवर के एक समाप्त के बाद टोटल रन संख्या बन चुकी है सोलह आने वाले बच्चे भी, भी केवल छः गेंदे और तैंतीस रनों की ज़रूरत है बने हैं तीस बने हैं अट्ठाईस लेकिन तैतीस तो मैंने देखे नहीं लेकिन अभी देखना है तो बल्लेबाज को यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी गेंदबाज इस वक्त बहुत ही खूबसूरत क्या बॉलिंग है स्टाइल भी बहुत ही अच्छी है टप्पा बहुत लेन लाइन उनकी अच्छी है और लेन लाइन की वजह से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी के तौर पर बचे हुए पांच गेंदे तैतीस रनों की जरूरत पहले गेंद जरूर डॉट फेंकी थी और उसके बाद दूसरी गेंद फेंकेंगे खराब गेंद ऑफ स्ट्रिंग के बहुत ही ज्यादा बाहर अंपायर बबन बबन का इशारा वाइट बॉल का एक रन बन चुकी है बढ़ चुकी है और इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर बन चुका है सत्रह रन बचे भी अभी पाँच गेंदे बत्तीस रनों की जरूरत है बड़ी मज़ा आ रही है इस टूर्नामेंट को देखने के लिए लेकिन मैच ही में इतनी जान नहीं है अच्छी गेंद खाली बल्लेबाज गेंद को देखते रहते हैं जैसी गेंद आ जाती है विकेट कीपर अपना काम तमाम करते हैं मैंने पिछले मैच में उन्होंने देखा था कि ये जो बल्लेबाज आए था लास्ट में जिन्होंने दो तीन छक्के दादे थे और दिलीप भगत विकेट कीपर बहुत ही अच्छी विकेट कीपर का काम करते हुए ये बैट का अंदूर और बड़ी कैच नंबर सातवा खिलाड़ी में मैदान से बाहर ये देखिए लगातार विकेट टू विकेट जाने लगे हैं केवाली टीम की परिस्थिति काफी खराब करके रखी है कुशिली टीम ने कुशिली टीम का नाम मैं पहले से ही जानता हूं कि जब भी इस टूर्नामेंट को इन देखने के कभी कभी आता हूं तो ये कुर्सी टीम का नाम भी बढ़िया है और जब से मैंने देखा हूं खैरवाड़ी टीम भी बड़ी फॉर्म में इस साल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आज आ रहे हैं केवाले के बालाराम मैदान के अंदर जा रहे हैं बच्चे भी केवल अब तीन गेंदे और बत्तीस रनों की जरूरत है टारगेट अब यहां पर निकल चुका है ये जो नजराना आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मैच अभी भी पूरी तरह से हट चुकी है औ के बहुत ही ज्यादा बार बबन का फिर से वापस इशारा वाइड बॉल एक रन बिल्कुल बढ़ चुकी है और इसी एक रनों के साथ टीम का टोटल बन चुका है ये देखिए जो सामने हमारा कैमरा लगा हुआ है लाइव है वहाँ के पीछे वाले दर्शक है वो जगह छोड़ी है और बैट्समैन को पूरी तरह से तकलीक होती है चार गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है दो गेंदे खाली बचे हैं बत्तीस रन चाहिए बहुत ही अच्छी गेंद मजा नहीं मैच में पूरी तरह से इतने रन से हराना ये बहुत ही खराब प्रदर्शन मुझे को देखने को मिला बत्तीस रन अभी भी चाहिए लास्ट गेंदे मैच में इतनी मजा नहीं है सभी दर्शकों का फिर से एक बार मैं दिन से शुक्र गुजारते हुए और इस प्रतियोगिता में आप देख रहे हैं लास्ट गेंद नोबॉल का इशारा अंपायर का ये ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए फीट का इशारा पार का गेंदबाजी तो गेंदबाजी होनी चाहिए फास्ट गेंदबाजी अब करते हैं बीच में स्लो कर देते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि गेंद बाहर की तरफ जा रही ये होता है इस बार और समाप्त तो दोनों टीमों का इत्यादी गुजारती हुई है दोनों टीम हारी भी, भी टीम के वाले टीम और जिन्होंने अपने तीस रनों के ऊपर अपना विजय प्राप्त किया वो किशुल टीम उनका भी मैं दिन से शुक्र गुजारती हुई है सभी का इस प्रतियोगिता में खैरवाड़ी जय बागेश्वर इलेवन खयरवाड़ी